इसराइल पर ईरान के हमले की आशंका है। यूएस ने तैनात किए हैं 15 फाइटर जेट, एक स्क्वाड्रन फाइटर जेट इसराइल भी भेजा गया है। तो देखिए, इसराइल पर ईरान के हमले लगातार जारी, यूएस ने तैनात किए 15 फाइटर जेट। कहा जा रहा है कि अब सतर्कता बहुत ज्यादा बढ़ गई है, इसराइल पर ईरान के हमले की आशंका जताई जा रही है और इसीलिए यूएस यानी अमेरिका ने तैनात किए अपने F-15 फाइटर जेट। और ट्रंप अमेरिकी चुनाव जीत चुके हैं, वो अगले साल 20 जनवरी को दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बनेंगे। ट्रंप के चुनाव जीतते ही इसराइल ने लेबनान में बमबारी तेज कर दी है। इसराइल लेबनान में हिजबुल्ला के गढ़ पर जबरदस्त हमले कर रहा है। इसराइल न सिर्फ हिजबुल्ला के ठिकानों को तबाह कर रहा है बल्कि उसके अंडरग्राउंड टनल और हथियार गोदामों को भी जला रहा है। सवाल यह कि ट्रंप के चुनाव जीतते ही इसराइल की बमबारी क्यों तेज हो गई है, इसके पीछे नेतन्याहू और उनकी सेना का क्या प्लान है। अरब युद्ध, रूस यूक्रेन जंग, उत्तर कोरिया और ताइवान फ्रंट, युद्ध के जितने भी फ्रंट हैं, उसकी डोर अब जिस एक शख्स के हाथ में है वो है डोनाल्ड ट्रंप। किस जंग का क्या होगा, किस देश का भविष्य क्या होगा, ये अब अमेरिका के नए राष्ट्रपति बनने जा रहे ट्रंप तय करेंगे। अमेरिका में सत्ता बदलने जा रही है, बाइडेन जाने वाले हैं, ट्रंप फिर से आने वाले हैं। ट्रंप दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। इस बार जैसे ही मोहर लगी, लेबनान में विनाश की आग बहुत भयावह हो गई। अमेरिका में चुनावी परिणाम है, सुपर पावर की सत्ता समीकरण बदली तो हिजबुल्ला को पूरी तरह से खत्म करने का नया अभियान लॉन्च कर दिया। ट्रंप के चुनाव जीतने के बाद देर रात इसराइल ने लेबनान में अब तक की सबसे भीषण बमबारी की। बेरूत, दाहिया, बेका, बालपेक में सबसे खतरनाक हमले किए गए। इस बमबारी में हिजबुल्ला के 60 से ज्यादा लड़ाके मारे गए। लेबनान में घुसी इजरायली सेना अब बहुत ही खतरनाक ऑपरेशन चला रही है। कंट्रोल ब्लास्ट के जरिए पूरी की पूरी बस्ती, पूरे के पूरे गांव को इस तरह से समतल किया जा रहा है। एक साथ कई धमाके और एक झटके में पूरा का पूरा इलाका कुछ इस तरह से खंडहर में तब्दील हो रहा है। इजरायली एयरफोर्स ने पहली बार बेरूत एयरपोर्ट के पास जबरदस्त बमबारी को अंजाम दिया है। एक के बाद एक कई विस्फोट से बेरूत एयरपोर्ट बुरी तरह दहल गया। बालबेक में इजरायली एयरफोर्स ने बारूदी धावा बोलकर 20 टारगेट को खत्म कर दिया। बालबेक में आईडीएफ ने हिजबुल्ला के सबसे पुराने हेडक्वार्टर को तबाह कर दिया। अल जबाल इलाके में हिजबुल्ला के अंडरग्राउंड सुरंग और हथियार गोदाम को तहस नहस कर दिया। बेरूत के दाहिया में भी इसराइल ने एक दर्जन हवाई हमले किए। हमले में हिजबुल्ला का हेडक्वार्टर, हथियार गोदाम और लॉन्च साइट तबाह हो गई। बेका में इजरायली सेना ने हिजबुल्ला से जुड़े 11 टारगेट को बर्बाद कर दिया।
बेरूत का दाहिया, बालबेक और बेका। लेबनान के ये वो तीन इलाके हैं जो हिजबुल्ला के गढ़ हैं। इन्हीं तीन इलाकों में हिजबुल्ला के इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, यही से वो ऑपरेट करता है। यही वजह है कि इजरायली सेना अब इन तीनों इलाकों को शमशान बना रही है। नेतन्याहू और आईडीएफ को आभास हो गया है कि ट्रंप युद्ध रुकवा सकते हैं। ऐसे में इसराइल ने लेबनान को लेकर अपना प्लान तैयार किया है। माना जा रहा है कि जंग खत्म करने के लिए इसराइल जो शर्तें रखने वाला है वो नेतन्याहू ने तैयार कर लिया है। इसके मुताबिक इसराइल की शर्त होगी कि यूएन चार्टर 1701 के तहत परमानेंट युद्ध विराम हो। लेबनान में लितानी नदी तक का इलाका यूएन सेना की बजाय इसराइल या अमेरिका की सुरक्षा में हो। लेबनान के जल, थल, नभ की जिम्मेदारी अमेरिका संभालेगा। इसराइल की सेना लेबनान के घरेलू मामलों को देखेगी। लेबनान के चारों ओर एक बफर जोन बनाने का प्लान है। बफर जोन में आने जाने की निगरानी इसराइली सेना करेगी। हालांकि इसे लेबनान मानेगा इसकी संभावना बहुत कम है, लेकिन ट्रंप दोनों पक्षों को राजी करने के लिए दबाव बना सकते हैं। इसराइल एक तरफ लेबनान में बमबारी कर रहा है तो दूसरी तरफ बेरूत के दक्षिणी हिस्से को खाली करने का आदेश जारी कर दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि बेरूत में इसराइल के हवाई हमले और तेज होने वाले हैं। इसराइल के हमले इसलिए तेज हो गए हैं क्योंकि माना जा रहा है कि ट्रंप के राष्ट्रपति बनते ही वो युद्ध रुकवा सकते हैं। इस बात की संभावना इसलिए ज्यादा है क्योंकि ट्रंप अपने भाषणों में बार बार जंग पर ब्रेक लगाने का वादा कर रहे थे। जाहिर है ट्रंप जंग खत्म करवा सकते हैं। ऐसे में जंग में शामिल हर पक्ष ये मान रहा है कि ट्रंप जल्द से जल्द जंग रुकवाने के लिए काफी दबाव डालने वाले हैं। ऐसी स्थिति में होने वाले युद्ध विराम में उस पक्ष को ही फायदा मिलेगा जिसकी स्थिति मजबूत होगी। इसराइल की कोशिश है कि ट्रंप जब तक अपना दबाव बढ़ाएं तब तक वो हिजबुल्ला के खात्मे के साथ साथ लेबनान के बड़े इलाकों को समतल कर दे। जिससे लेबनान घुटनों पर आ जाए ताकि ट्रंप के दबाव में अगर युद्ध विराम हो, अगर शांति वार्ता हो तो लेबनान इसराइल की ज्यादातर शर्तों को मानने के लिए मजबूर हो जाए। लेबनान की धरती पर विनाश का जो नया और बड़ा भवंडर आया है वो नेतन्याहू और उनकी सेना के इसी प्लान का परिणाम है। आईडीएफ से जुड़े सूत्रों के मुताबिक इसराइल ने इस महीने लेबनान में बहुत ही खतरनाक हमले की रणनीति बनाई है। इसका मतलब ये हुआ कि आने वाले दिनों में लेबनान में विनाश का भयावह दृश्य नजर आने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 9, भारतवर्ष। गाजा पर इसराइल की हवाई बमबारी हुई है। शाहीबर स्कूल पर गिरा इजरायली बम। हमले में 12 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई। स्कूल में लगे थे शरणार्थियों के कैंप। जीत के बाद यूरोप के नाटो देशों की चिंताएं बढ़ गई हैं। पोलैंड के वित्त मंत्री ने कहा है कि यूरोप को आत्मरक्षा के लिए अब आत्मनिर्भर बनना होगा क्योंकि ट्रंप की जीत का मतलब नाटो गठबंधन की मजबूती को झटका है। रूस ने यूरोपीय देशों की सुरक्षा पर ट्रंप का रुख गंभीर नहीं है। रिपोर्ट है कि ट्रंप ने रूस यूक्रेन युद्ध में शांति का मसौदा तैयार करना शुरू कर दिया है और इसकी कई शर्तें नाटो संगठन के लिए सकारात्मक नहीं है। देखिए क्या है ट्रंप का यूक्रेन रूस युद्ध विराम मसौदा और यूरोप के कई देशों की मुश्किलें कैसे बढ़ने वाली है।
चुनाव प्रचार में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि कुर्सी संभालते ही रूस यूक्रेन युद्ध का 24 घंटे में समाधान करा देंगे। लेकिन जिस दिन ट्रंप ने चुनाव जीता उसी दिन से रूस ने यूक्रेन पर बड़े हमले शुरू कर दिए हैं। रूसी फौज के हमले से डॉनबास में एक इमारत तबाह हो गई। इस हमले में यूक्रेनी इन्फैंट्री के 40 जवान मारे गए। कीव पर रूस ने ड्रोन हमले किए और इससे एक इमारत में आग लग गई। रूस ने कीव पर कई ड्रोन हमले किए और एक हमले में रिहायशी इमारत तबाह हो गई। 6-7 नवंबर को रूस ने यूक्रेन के कई शहरों पर रॉकेट और मिसाइल हमले किए। अब ट्रंप के ऊपर इस जंग को रुकवाने का दबाव है। खबर है कि ट्रंप ने रूस यूक्रेन का समझौता कराने के लिए शांति का मसौदा तैयार करना शुरू कर दिया है। इस मसौदे के मुताबिक यूक्रेन को 20 साल तक नेटो सदस्य नहीं बनाया जाएगा। इसके साथ ही फ्रंट लाइन को डीमिलिटराइज जोन बना दिया जाएगा। इस सौदे पर यूक्रेन सहमत हुआ तो हथियारों की सप्लाई जारी रहेगी। ट्रंप के इस मसौदे का मतलब रूस और यूक्रेन के बीच एक बड़ा बफर जोन बन जाना है जिसे रूस की रणनीतिक जीत माना जाएगा। यूरोपियन मीडिया की रिपोर्ट है कि ट्रंप की जीत क्रेमलिन के लिए अवसर बनकर आई है। अब यूक्रेन के समर्थन के लिए अमेरिका प्रतिबद्ध नहीं रहेगा। यूक्रेन के भविष्य पर अनिश्चितता के बादल मंडरा रहे हैं। रिपोर्ट है कि ट्रंप और पुतिन की बातचीत भी हो चुकी है। खुफिया रिपोर्ट है कि पुतिन ट्रंप को जीत की बधाई दे चुके हैं लेकिन इसे सार्वजनिक नहीं किया गया। पहले रिपोर्ट आई थी कि ट्रंप के करीबी इलॉन मस्क से भी पुतिन की बातचीत होती रहती है। माना जा रहा है कि ट्रंप यूक्रेन की मदद पर अरबों डॉलर नहीं खर्च करना चाहते हैं क्योंकि ट्रंप अपने चुनाव प्रचार में भी कह चुके हैं कि यूक्रेन के राष्ट्रपति अरबों डॉलर की मदद ले जाते हैं। बाइडेन भी ट्रंप के इस रुख को जानते हैं और अमेरिकन मीडिया की रिपोर्ट है कि बाइडेन प्रशासन कांग्रेस से पारित मदद ट्रंप के सत्ता संभालने से पहले यूक्रेन को देना चाहता है। बाइडेन प्रशासन ने इस पर काम शुरू कर दिया है। जनवरी से पहले यूक्रेन को 50,000 करोड़ रुपए की मदद दी जा सकती है। इसी मदद के जरिए यूक्रेन हथियार बना रहा है और रूस पर हमले कर रहा है। छह नवंबर को यूक्रेन ने रूस के दागेस्तान में नेवल बेस पर हमले किए। यूक्रेन के एक ड्रोन ने 1500 किलोमीटर की दूरी तय करके रूसी मिसाइल कैरियर को निशाना बनाया। यूक्रेन के इस हमले में रूस के दो डिस्ट्रॉयर तबाह होने की रिपोर्ट है। यूक्रेन भले ही रूस पर हमले कर रहा है लेकिन पुतिन नाम के संकट से निपटने के लिए अमेरिका का साथ खड़े रहना जरूरी है। यूक्रेन ही नहीं पूरे यूरोप के लिए पुतिन इस समय सबसे बड़ा संकट है। कई नेटो देशों की सीमाओं पर जंग हो रही है और आशंका है कि कभी भी नेटो देश पुतिन के रडार पर आ सकते हैं। ट्रंप के सत्ता में आने के बाद नेटो की भी चिंताएं बढ़ गई हैं। दुनिया में ट्रंप की वापसी को नेटो के लिए मुश्किल माना जा रहा है और इसके पीछे है नेटो के लिए ट्रंप का रुख। ट्रंप ने अपने चुनाव प्रचार में भी साफ कहा था कि नेटो देशों को सुरक्षा देने में अमेरिका सबसे ज्यादा खर्च करता है और अब उन्हीं देशों को सुरक्षा दी जाएगी जो डिफेंस बजट बढ़ाने वाले। नेटो पर ट्रंप के इस रुख से यूरोप के देश चिंता में हैं। यूरोप के सभी देश अपनी रक्षा के लिए अमेरिका पर निर्भर हैं और युद्ध काल में ट्रंप का सत्ता में आना यूरोपीय देशों के लिए मुश्किल भरा हो सकता है।
पुतिन के डर से यूरोप के नेटो देश अपनी अपनी आत्मरक्षा की तैयारी में जुटे हैं और अब पोलैंड के वित्त मंत्री ने साफ कहा है कि अमेरिका पर भरोसा नहीं किया जा सकता। रोदास्लो सिरकोस्की ने कहा है कि यूरोप को तुरंत अपनी आत्मरक्षा की जिम्मेदारी उठानी होगी। यूरोप को अपनी रक्षा के लिए आत्मनिर्भर बनना जरूरी है। यूरोप के सामने सबसे बड़ा संकट है डिफेंस बजट पर खर्च बढ़ाना। ट्रंप साफ साफ कह चुके हैं कि नेटो के डिफेंस बजट जितना अमेरिका अकेले खर्च करता है उतना पूरे यूरोपीय देश मिलकर भी नहीं करते। नेटो संगठन में 32 देश हैं, अभी सिर्फ 23 देश अपनी जीडीपी का 2% रक्षा बजट पर खर्च करते हैं। सभी यूरोपीय देशों ने 2024 में 32,500 करोड़ रुपए नेटो रक्षा बजट में दिए हैं, जबकि अकेले अमेरिका ने 81,56,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। ट्रंप का कहना है कि डिफेंस बजट का 2/3 हिस्सा अकेले अमेरिका उठाता है और ये खर्च बाकी सदस्यों में बराबर होना चाहिए। इसीलिए ट्रंप की वापसी को नेटो के लिए संकट माना जा रहा है और अगर नेटो संगठन कमजोर पड़ा तो फौरन यूरोप विजय का ऑपरेशन शुरू कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। और अहम खबर है, लेबनान के सैदा पर इजराइल का ड्रोन हमला हुआ है। एक कार पर गिरा इजराइल का ड्रोन, कार में सवार 3 लोगों की धमाके से मौत हो गई है। लगातार गाजा और लेबनान पर हमला कर रहे बेंजामिन नेतन्याहू अब एक बड़े संकट में गिर गए हैं। एक तरफ उनके खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए हैं तो दूसरी ओर उनकी सरकार में विरोध बढ़ता जा रहा है। इसके पीछे बड़ी वजह रक्षा मंत्री योव गैलेंट की बर्खास्तगी है। अब गैलेंट ने बेंजामिन विरोधी नेताओं के साथ मोर्चा खोल दिया है, जिससे बेंजामिन नेतन्याहू के तख्ता पलट के आसार नजर आने लगे हैं। हालांकि नेतन्याहू ने गैलेंट और विरोधियों पर अंकुश लगाने की पूरी तैयारी कर ली है। गाजा पर बम बरस रहे हैं, नेतन्याहू गाजा को तबाह कर देना चाहते हैं, लेकिन उनके खिलाफ विरोध भी बढ़ता जा रहा है। बारूद के शोर पर अब विरोध की आवाजें हावी हो रही हैं। इन आवाजों में गुस्सा है, बेंजामिन नेतन्याहू की नीतियों के खिलाफ हल्ला बोल है। रक्षा मंत्री रहे योआव गैलेंट की बर्खास्तगी का पुरजोर विरोध है। तेल अवीव से लेकर यरूशलम तक इसी तरह का माहौल है, लगातार विरोध प्रदर्शन का दायरा बढ़ता जा रहा है। कई जगह प्रदर्शनकारी हिंसक हो रहे हैं, पुलिस कर्मियों से भिड़ंत की तस्वीरें भी आ रही हैं। कहीं ऐसा ना हो विरोध इतना बढ़े कि बेंजामिन का तख्ता पलट हो जाए। आसार लग रहे हैं क्योंकि बर्खास्तगी के बाद से ही योआव गैलेंट एक्टिव हैं, वो लगातार बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ प्लानिंग में जुटे हैं। गैलेंट ने बर्खास्तगी के बाद सेना, शिनबेत, मोसाद और दूसरी रक्षा एजेंसियों के साथ फेयरवेल मीटिंग की। मीटिंग में सभी एजेंसियों के शीर्ष कमांडर मौजूद थे। इस दौरान आर्मी चीफ हारजी हलेवी के साथ लंबी बातचीत हुई, साथ ही दूसरे कमांडर के साथ अकेले में गैलेंट ने लंबी बात की। जैसे ही मीटिंग खत्म हुई, गैलेंट की बर्खास्तगी का विरोध शुरू हो गया। इसके पीछे गैलेंट का हाथ बताया जा रहा है कि उनके समर्थकों ने सड़क पर उतरकर बेंजामिन के खिलाफ माहौल बनाया। बताया जा रहा है कि बेंजामिन नेतन्याहू काफी वक्त से योआव गैलेंट को सरकार से बाहर करना चाह रहे थे, क्योंकि योआव गैलेंट लगातार बेंजामिन नेतन्याहू की युद्ध नीति का विरोध कर रहे थे। गाजा पर युद्ध विराम करा के बंधक छुड़ाना चाहते हैं। जबकि बेंजामिन नेतन्याहू हमास और दूसरे ईरानी प्रॉक्सी का संपूर्ण खात्मा करना चाहते हैं, इसी वजह से दोनों में टकराव बढ़ता गया, जो अब इसराइल की सड़कों पर भी दिख रहा है।
जबकि युवाब गैलेंट बर्खास्तगी के खिलाफ अदालत पहुंच गए, जिनकी अर्जी हाईकोर्ट ने मंजूर कर ली। अब युवाब गैलेंट बड़े स्तर पर नेतन्याहू के खिलाफ कैंपेन शुरू करने वाले हैं। इस बीच इसराइल की एक मीडिया एजेंसी ने सर्वे कराया, जिसमें 52% लोगों ने बेंजामिन नेतन्याहू की नीतियों को इसराइल के लिए खतरा बताया है, जबकि 60% लोगों ने युवाब गैलेंट को रक्षा मंत्री के पद के लिए सबसे उपयुक्त कहा है, जबकि 14% ही गैलेंट की जगह इसराइल कांट्स को लाने के पक्ष में है। यानी इसराइल के लोग युवाब गैलेंट के पक्ष में हैं। अब कोर्ट के फैसले पर काफी कुछ निर्भर करेगा। अगर गैलेंट की जीत होती है तो बेंजामिन के खिलाफ चल रहा प्रदर्शन उनके तख्ता पलट का रास्ता तैयार कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और जिस दिन ट्रंप की जीत हुई उस दिन हमास ने इसराइल के अंदर बहुत बड़ी साजिश रचने की कोशिश की। हमास के लड़ाकों ने एक बार फिर इसराइल में घुसपैठ कर रक्तपात करने का प्रयास किया, लेकिन इसराइल ने हमास की इस कोशिश को नाकाम कर दिया। तो अब सवाल यह है कि हमास के खिलाफ ट्रंप की रणनीति क्या होगी। ट्रंप ने चुनाव जीतने के बाद ही वो संदेश प्रसारित कर दिया जिसे सुनकर हमास दहल जाएगा। इसराइल में पिछले साल 7 अक्टूबर जैसी घुसपैठ की कोशिश हुई। हमास इसराइल के अंदर घुसकर 7 अक्टूबर जैसा ही नरसंहार करने वाला था, लेकिन इसराइली सेना ने इस बार हमास के खूनी मंसूबे पर पानी फेर दिया। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप को जीत मिली और इसके तुरंत बाद ही इसराइल में घुसपैठ की कोशिश की गई। लेकिन इसराइल ने इस कोशिश को नाकाम कर दिया। घुसपैठ की कोशिश नाकाम करने के साथ ही इसराइल ने गाजा में जबरदस्त हमले शुरू कर दिए। वेस्ट बैंक के जेनिन में IDF ने हमास के लड़ाकों पर जबरदस्त फायरिंग की। कोलकरम में भी इजरायली सेना ने हमास के ठिकानों पर धावा बोला। तबलूस में इसराइल ने हमास से जुड़ी एक इमारत को तबाह कर दिया। एक रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल गाजा में अब तक 85,000 टन बम गिरा चुका है। इसी बमबारी की वजह से पूरा गाजा खंडहर बन चुका है। इसराइल हमास के लड़ाकों को चुन चुन कर खत्म कर रहा है, तो हमास भी पलटवार कर रहा है। हमास ने कई जगहों पर इजरायली सेना की टुकड़ी और हथियारों को टारगेट किया। हमास ने हमले का वीडियो जारी किया है। उधर ट्रंप ने हमास को चेतावनी दे दी है कि अगर उसने बंधकों को नहीं छोड़ा तो अंजाम बहुत बुरा होगा। अब देखना यही है कि हमास पर ट्रंप की चेतावनी का क्या असर पड़ता है। अगर उसने बंधकों को नहीं रिहा किया तो अमेरिका का अगला कदम क्या होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। जर्मनी में सियासी संकट पैदा हो गया है। जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्स की सरकार अल्पमत में आ गई है। गठबंधन सरकार में शामिल पार्टियों में मतभेद बढ़ चुका है। आर्थिक मोर्चे पर सुधार के लिए ओलाफ शोल्स का एक फैसला इस टकराव की वजह बना है। अब सवाल उठ रहा है कि क्या शोल्स सरकार गिर जाएगी या वो जनवरी में होने वाले विश्वास प्रस्ताव में बहुमत साबित कर पाएंगे। 3 साल से सरकार चला रहे शोल्स के सामने बड़ा राजनीतिक संकट खड़ा हो गया है। शोल्स की सरकार अल्पमत में है। अब सवाल उठ रहा है, क्या जर्मनी में वक्त से पहले चुनाव होंगे या फिर शोल्स संकट का हल निकाल पाएंगे। पिछले कुछ वक्त से जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्स की लोकप्रियता तेजी से घटी है, साथ ही सरकार में सहयोगी संगठनों का शोल्स पर भरोसा भी। और जब से शोल्स ने वित्त मंत्री को हटाने का फैसला लिया तब से राजनीतिक संकट बढ़ गया। एक दिन पहले ओलाफ शोल्स ने वित्त मंत्री क्रिस्टियन लिंडर को बर्खास्त किया था। उन्होंने कहा कि जर्मनी की अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए ये कदम जरूरी था, लेकिन गठबंधन सरकार में सहयोगी दलों ने इसका विरोध शुरू कर दिया, जिसमें गठबंधन में तीनों सहयोगी SPD, ग्रीन्स और FDP शामिल हैं।
अब ये राजनीतिक कलह सरकार टूटने की वजह बन गई। हालांकि ओलाफ शोल्स सरकार गिरने से बचाने में लगे हैं, क्योंकि वित्त मंत्री क्रिस्टियन एफडीपी पार्टी से आते हैं, इसलिए सबसे ज्यादा विरोध एफडीपी कर रही है, जिसने अपने सारे मंत्री सरकार से निकाल लिए हैं। अब सरकार में सिर्फ सेंटर लेफ्ट पार्टी एसडीपी के अलावा पर्यावरण मुद्दों पर राजनीति करने वाली ग्रीन्स पार्टी बची है। इनके साथ मिलकर शोल्स को जनवरी में विश्वास प्रस्ताव का सामना करना है, जिससे तय होगा कि शोल्स सरकार गिरेगी या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 9 भारतवर्ष। और अंतरिक्ष से बहुत बुरी खबर सामने आ रही है। भारतीय मूल की नासा वैज्ञानिक सुनीता विलियम्स की सेहत बिगड़ रही है, यही चिंता की बात है। सवाल यही है कि अब नासा और इलॉन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स क्या करेगी। अंतरिक्ष से आई ये तस्वीर सुनीता विलियम्स की सेहत की सारी कहानी बयां कर रही है। इस तस्वीर में सुनीता विलियम्स बहुत पतली और कमजोर नजर आ रही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक 6 महीने से स्पेस में फंसी सुनीता विलियम्स की सेहत लगातार बिगड़ रही है, उनका वजन कम होता जा रहा है। अब 2 तस्वीरों से समझिए कि सुनीता विलियम्स की तबीयत कैसे बिगड़ती जा रही है। सुनीता जब स्पेस मिशन के लिए रवाना हुई थी तब उनकी सेहत ऐसी थी, वो पूरी तरह से स्वस्थ थी, लेकिन अब जो तस्वीर आई है वो बता रही है कि उनका स्वास्थ्य खराब होता जा रहा है। सुनीता विलियम्स स्पेस मिशन पर 8 दिन के लिए गई थी, लेकिन स्पेस क्राफ्ट में आई खराबी की वजह से वो वहां दूसरे वैज्ञानिकों के साथ 6 महीने से फंसी हैं। हाल फिलहाल सुनीता विलियम्स को अंतरिक्ष से निकालने की कोई तैयारी नहीं है। सुनीता विलियम्स को अगले साल फरवरी तक इसी तरह अंतरिक्ष में रहना होगा। फरवरी में ही उन्हें वहां से रेस्क्यू किया जाएगा। यही लंबा समय समस्या है। सुनीता के सामने अंतरिक्ष में 3 महीने गुजारना सबसे बड़ी चुनौती है। दुनिया उनकी सलामती के लिए दुआ कर रही है। अब सवाल यह है कि अगर सुनीता की सेहत और बिगड़ती है तो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा और स्पेसएक्स के मालिक इलॉन मस्क क्या करेंगे? क्या सुनीता को वहां से फरवरी से पहले ही निकाला जाएगा? ये वो सवाल है जिसका जवाब दुनिया को आने वाले वक्त में ही मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 9 भारतवर्ष। हमास ने युद्ध विराम प्रस्ताव ठुकराकर बेंजामिन नेतन्याहू को गाजा में विध्वंस का एक और मौका दे दिया है। अब बेंजामिन की सेना ने हमले तेज कर दिए, दूसरी ओर गाजा भी युद्ध के विस्तार में जुट गया है। ईरान में हमास लड़ाकों को स्पेशल ट्रेनिंग दी जा रही है, साथ ही हमास में दूसरे प्रॉक्सी गुटों से लड़ाके शामिल हो रहे हैं। यानी आने वाले वक्त में हमास फिर से एक्टिव होकर इसराइल में भारी तबाही मचा सकता है, लेकिन इसराइल ऐसा होने से पहले ही गाजा को कब्रिस्तान बनाने की कसम खा चुका है। लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन चल रहा है। अब सीरिया में भी इसराइल ने मोर्चा खोल दिया है। इसी बीच गाजा ने युद्ध विराम ठुकराया तो इसराइल और हिंसक हो उठा है। उसने गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन का विस्तार कर दिया है। ये गाजा के जवालिया की तस्वीरें हैं, जहां आईडीएफ ने भारी तबाही मचाई। आईडीएफ की 162वीं डिवीजन ने मोर्चा संभाला और कई इमारतों को निशाना बनाया। टैंक और आर्टिलरी व्हीकल लेकर उन इलाकों में सैनिक जा घुसे जहां हमास लड़ाके छुपे थे, फिर वहां ताबड़तोड़ हमले कर डाले। आईडीएफ का दावा है कि ग्राउंड ऑपरेशन में 100 हमास लड़ाके मार गिराए गए, जबकि 700 से ज्यादा गिरफ्तार कर लिए गए। इस दौरान भारी तादाद में हथियार मिले जिन्हें नष्ट कर डाला गया। इसके अलावा उन कंपाउंड को विस्फोटक से उड़ा दिया गया जहां हथियार रखे गए थे। जबालिया में इसराइल ने मल्टी डायमेंशनल यूनिट को उतारा है, जो छोटे छोटे क्वाडकॉप्टर ड्रोन से दुश्मनों को ढूंढकर उन पर हमले कर रहे हैं।
पेंटागन की रिपोर्ट है कि हमास अब नए लड़ाकों को ट्रेनिंग दे रहा है जिन्हें हथियार बनाने और उन्हें चलाने की ट्रेनिंग के लिए ईरान भेजा है, जहां IRGC के वॉर सेंटर में उन्हें ट्रेनिंग दी जा रही है। यही वजह है कि ट्रेनिंग लेकर लौटे हमास लड़ाके पहले से ज्यादा खतरनाक हो चुके हैं। अब वो पूरी प्लानिंग से हमले कर रहे हैं। कई जगहों पर IDF सैनिकों पर भारी भी पड़े हैं। ये तुलकारम से आया वीडियो है जिसमें देखिए कैसे T9 बुलडोजर को हमले में उड़ा दिया गया। इसके अलावा कई IDF सैनिकों को मार गिराने का दावा भी हमास ने किया है। इस दौरान दावा किया गया है कि इसराइल के ऑपरेशन में 55,000 लोगों को सुरक्षित कैंप में पहुंचाया गया है। हालांकि कई लोग IDF के हमले में घायल भी हो गए, जिन्हें अस्पताल ले जाने में रेड क्रॉस कर्मी जुटे रहे। इस दौरान भी IDF के हमले जारी रहे। IDF ने कहा है कि उसने पिछले एक महीने में 100 से ज्यादा हमास लड़ाकों को मार गिराया है, जबकि सैकड़ों लड़ाके पकड़े हैं, जिनमें से कई लड़ाकों को ईरान में ट्रेनिंग मिली है। यानी अब हमास फिर से एक्टिव होकर इसराइल पर हमले कर रहा है। ईरान से लगातार मदद मिलने से उसने फिर से अपने ठिकाने बना लिए, यानी गाजा फ्रंट फिर से इसराइल के लिए बड़ी मुसीबत बन चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इसराइल पर हिज्ब के हमले फिर से शुरू हो गए हैं। अभी अभी किए हिज्ब ने रॉकेट हमले। हिजबुल्ला की ओर से हमला किया गया है। किरत शमोना मेतुला पर रॉकेट दागे गए हैं। ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, अभी ताजा हमला है ये। हिजबुल्ला की ओर से ये ताजा अटैक किया गया है। और हिजबुल्ला प्रमुख रहे हसन नसरुल्ला की मौत के 40वें दिन हिजबुल्ला ने उसकी मौत का प्रतिशोध ऑपरेशन शुरू कर दिया है। हिजबुल्ला ने पूरे इसराइल पर मिसाइल और रॉकेट की बरसात की है। एक दिन में इतना बड़ा हमला हिजबुल्ला ने अब तक नहीं किया था। इस हमले में इसराइल के कई सैन्य बेस तबाह हुए हैं। इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी हिजबुल्ला की मिसाइल गिरी है। हिजबुल्ला ने पहली बार इसराइल के खिलाफ मेड इन ईरान मिसाइल का इस्तेमाल किया है। हिज्ब के ऑपरेशन से संकेत मिल रहे हैं कि रूस और ईरान ने बड़े हमलों का ऑर्डर जारी कर दिया है। नए प्रमुख नईम कासिम ने कहा है कि इसराइल के विनाश तक जंग जारी रहेगी। देखिए इसराइल में कैसे बरसी हिजबुल्ला की बारूदी ज्वाला। नसरल्ला की मौत के 40वें दिन हिजबुल्ला ने उसे बारूदी श्रद्धांजलि दी और पूरे इसराइल पर बारूद बरसाना शुरू कर दिया। ये इसराइल के पश्चिमी गलीली के अविविम की तस्वीरें हैं। अविविम पर रॉकेट हमलों के बाद बड़े इलाके में आग लग गई। ऐसी ही आग इसराइल के हमलों से यमन में लगी थी। हिजबुल्ला के हमलों से इसराइल के शहर शहर में आग और धुएं के गुबार नजर आने लगे। सात नवंबर की भोर होते ही हिजबुल्ला की मिसाइलें गर्जी और इसराइल से विनाश की तस्वीरें आने लगी। इसराइल के आसमान में हिज्ब के रॉकेट और ड्रोन उड़ते नजर आने लगे। हिज्ब के हमलों से अविविम में बड़ी तबाही। हिज्ब का एक रॉकेट अविविम के उस क्षेत्र में गिरा जहां इजरायली सैनिक थे और धमाके के बाद आग लगी। पश्चिमी गलीली क्षेत्र से आई तस्वीरें हिजबुल्ला के हमलों की तीव्रता बता रही है। एक सर्वेलेंस कैमरे से मिसाइल गिरने की तस्वीर भी रिकॉर्ड हुई है। इसराइल ने हिजबुल्ला के हमलों को रोकने के लिए अपने डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट की। लेकिन तेल अवीव में एक डिफेंस सिस्टम की मिसाइल गिरी और एक कार तबाह हो गई।
हिजबुल्ला के हमलों से इसराइल के कई शहरों में आग लग गई। 7 नवंबर की सुबह तेल अवीव के क्षितिज पर धुआं ही धुआं नजर आने लगा। हिजबुल्ला ने इसराइल के खिलाफ 36 ऑपरेशन चलाए। सुबह 9 बजे किरियत शिमोना पर रॉकेट हमले किए गए। ठीक इसी वक्त कफार गोल्ड पर 20 से ज्यादा रॉकेट हमले हुए। 9:15 पर सासा सेटलमेंट पर रॉकेट बरसाए गए। 10:15 पर 188वीं आर्मर ब्रिगेड के हेडक्वार्टर राबिया बेस पर हमले किए गए। 10:40 पर मैतुला में मरकावा टैंक को टारगेट किया गया। हिजबुल्ला का दावा है कि उसके हमले में कई इजरायली सैनिकों की मौत हुई है, लेकिन इसराइल ने अब तक एक आम नागरिक के मारे जाने की पुष्टि की है। हिजबुल्ला ने यह भी दावा किया है कि इसराइल के स्टेला नेवल बेस पर उसके लड़ाकों ने 6 नवंबर की शाम को 6:15 पर हमला किया। ये हाइफा में बना नेवल मॉनिटरिंग और सर्वेलेंस बेस है। इसराइल पर अब तक इतनी बड़ी तादाद में हिजबुल्ला ने हमले नहीं किए थे। 7 नवंबर को हिजबुल्ला ने तेल अवीव के बेन गुरियन एयरपोर्ट को भी निशाना बनाया। इसराइल की राजधानी तेल अवीव में बेन गुरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हिजबुल्ला ने मिसाइल हमला किया है। एयरपोर्ट परिसर में जोरदार धमाके की तस्वीरें भी आई हैं। हालांकि हिजब की मिसाइल एयरपोर्ट के रनवे से दूर खाली मैदान में गिरी। इस हमले में आम नागरिक बाल बाल बचे हैं। एयरपोर्ट की ओर बढ़ने वाली मिसाइल को इजरायली डिफेंस सिस्टम रोकने में नाकाम रहे। हिजबुल्ला ने पहली बार इसराइल पर हमले के लिए फतेह 110 मिसाइल का इस्तेमाल किया है। यह मिसाइल ईरान में बनी है और सेना इसका इस्तेमाल करती है। यह गाइडेड मिसाइल है। इसकी हमले करने की रेंज 300 किलोमीटर तक की है। यह 500 किलोग्राम तक का वॉरहेड ले जा सकती है और इसकी रफ्तार 5000 किलोमीटर प्रति घंटा तक है। इसकी हमला करने की एक्यूरेसी 10 मीटर तक की है। मिसाइल की लंबाई 9 मीटर है। ये बेन गुरियन एयरपोर्ट पर हिजबुल्ला के मिसाइल हमले की तस्वीर है। सर्वेलेंस कैमरे में रिकॉर्ड तस्वीरों में एक जोरदार धमाका दिखाई दे रहा है। एयरपोर्ट पर मौजूद यात्रियों ने भी मोबाइल फोन कैमरे में धमाके की तस्वीरें रिकॉर्ड की। हिजब का एक रॉकेट एयरपोर्ट के सुरक्षा दीवार के करीब पार्किंग लॉट में गिरा और वहां एक गड्ढा बन गया। हिजबुल्ला ने 60 मिनट में इसराइल पर 120 से ज्यादा रॉकेट बरसाए और इन हमलों के बाद इजरायली टारगेट के मैप का वीडियो भी जारी किया। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद इसराइल पर हिजबुल्ला ने ताबड़तोड़ हमले करके संकेत दे दिए हैं कि इसराइल के ग्राउंड ऑपरेशन से ना तो उसकी ताकत घटी और ना ही अमेरिका में सरकार बदलने से उसका स्टैंड बदला है। हिजबुल्ला प्रमुख नईम कासिम ने ऐलान कर दिया है कि हिजबुल्ला युद्ध विराम की भीख नहीं मांगने वाला, चाहे बरसों बरस तक जंग लड़नी पड़े। हिजबुल्ला ने ऐलान कर दिया है कि इसराइल पर वो अपनी सबसे ताकतवर और लॉन्ग रेंज मिसाइलें बरसाने को तैयार। रिपोर्ट है कि ईरान से हिजबुल्ला को नई मिसाइलों की सप्लाई हुई है। ईरान के मित्र देश रूस से भी हिजब को हथियार ट्रांसफर किए जा रहे हैं। हिजबुल्ला ग्राउंड ऑपरेशन के लिए तैयार हो रहा है। इसके साथ ही इसराइल पर मिसाइल हमले भी बढ़ाए जाने वाले हैं। ट्रंप के जीतते ही रूस ईरान ने इसराइल के साथ महासंग्राम के संकेत दे दिए हैं और ये जंग अमेरिका के लिए बड़ी मुश्किल बनने की ओर बढ़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और हिजब के अवीवीम हमले में बड़ा अपडेट है। IDF के एक घायल सैनिक ने दम तोड़ दिया है। सार्जेंट अरियल सासोनोव के अस्पताल में मौत की खबर है।
तो IDF का एक घायल सैनिक जिसने दम तोड़ दिया है, उसकी जान चली गई है। अमेरिका में ट्रंप की वापसी के साथ ही इसराइल का जोश बढ़ गया है। अब इसराइल कभी भी ईरान के एटमी सेंटर पर हमला कर सकता है, क्योंकि ट्रंप ने भरोसा दिलाया है कि वो इसराइल की सुरक्षा से समझौता नहीं करेगा। यानी आने वाले दिनों में अरब में न सिर्फ समीकरण बदल सकते हैं, बल्कि अमेरिका युद्ध में भी उतर सकता है। दरअसल खामनेई के ब्लूप्रिंट को फेल करने के लिए नेतन्याहू ने बड़ा प्लान तैयार किया है, जिसमें ईरानी प्रॉक्सी के ठिकानों पर हमले किए जा रहे हैं। इस बीच ईरान हमले करता है तो उसका जवाब देने के लिए अमेरिका तैयार है। इसको लेकर बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप में सहमति बन चुकी है। अब अरब के समीकरण बदलने वाले हैं, क्योंकि अब अमेरिका में बाइडन राज खत्म हो चुका है, ट्रंप राज का दूसरा अध्याय शुरू हो चुका है। ट्रंप ने चुनाव जीतते ही इसका ऐलान भी कर दिया कि वो इसराइल की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, फिर चाहे टकराव ईरान से ही क्यों ना हो। एक तरफ ईरान इसराइल को दहलाने के लिए ईरानी प्रॉक्सी को मजबूत कर रहा है, उन्हें उकसाकर हमले का प्लान बना रहा है। दूसरी तरफ इसराइल ने ईरानी प्रॉक्सी संगठनों के ठिकानों पर हमले शुरू कर दिए हैं। बेंजामिन नेतन्याहू ने ट्रंप को जीतने पर बधाई दी, और इस बधाई संदेश के पीछे बेंजामिन की ख्वाहिश है कि ट्रंप अब ईरान से मुकाबला करने में उनकी मदद करेंगे। इसराइल के संकट काल में बाइडेन की नीति रक्षात्मक ही रही, वो लगातार इसराइल पर ये दबाव बनाते रहे कि इसराइल बैकफुट पर ही रहे, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद हालात बदल सकते हैं। और असर देखिए, ट्रंप की जीत का जश्न अमेरिका में मनाया जा रहा था, और इस बीच इसराइल ने लेबनान से सीरिया तक ताबड़तोड़ हमले करके जता दिया कि अब इसराइल रुकने वाला नहीं, अब इसराइल का विस्तार होकर रहेगा, ग्रेटर इसराइल बनकर रहेगा। बेंजामिन नेतन्याहू के इस हौसले के पीछे डोनाल्ड ट्रंप की जीत है। अब सवाल उठ रहा है, इसराइल को लेकर ट्रंप का सबसे पहला कदम क्या होगा? क्या इसी तरह अमेरिका की मदद जारी रहेगी, या फिर अमेरिका युद्ध में उतरेगा? डोनाल्ड ट्रंप ये साफ कह भी चुके हैं कि वो शांति के पक्षधर हैं, फिर चाहे इसके लिए बारूद का ही इस्तेमाल क्यों ना करना पड़े। दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञ आशंका जता रहे हैं कि ट्रंप इसराइल को लेकर बड़ा कदम उठा सकते हैं, खास तौर से ईरान के बढ़ते कद को लेकर जरूर कुछ करेंगे, जिसमें ट्रंप ईरान पर प्रतिबंध बढ़ा सकते हैं, जिसमें ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर संपूर्ण बैन लगाया जा सकता है। अगर ईरान नहीं मानता है तो ईरान के न्यूक्लियर सेंटर पर हमला किया जा सकता है, इसके लिए इसराइल को हरी झंडी दी जा सकती है। इसके अलावा तीसरा विकल्प है कि अमेरिका ईरान में खामनेई सरकार को गिराकर पहलवी राज फिर से कायम करवा सकता है, जिससे ईरान इसराइल के टकराव खत्म हो जाएगा। कुल मिलाकर अमेरिका की कोशिश रहेगी कि वो ईरान की न्यूक्लियर महत्वाकांक्षा को नष्ट करके उसे समझौते के लिए मजबूर करे। अमेरिका में इसराइल के राजदूत रहे माइकल ओरेन ने एक इंटरव्यू में इसका इशारा दिया है कि जनवरी में शपथ लेते ही ट्रंप एक तरफ बाइडेन की तमाम नीतियों में बदलाव करेंगे, जिसमें सबसे अहम होगी इसराइल की सुरक्षा और ईरान को बैकफुट पर लाना। ट्रंप अरब के हालात पर फैसला जरूर लेंगे, लेकिन इस बार उनके पिछले कार्यकाल की तरह ये उतना आसान नहीं होगा, क्योंकि ईरान परमाणु हथियार बना चुका है और अब रूस खुलकर उसके साथ आ चुका है, जिसने ईरान, चीन और नॉर्थ कोरिया के साथ मिलकर एक गठबंधन बना लिया है। यानी ईरान इसराइल के सामने झुकेगा, इसके आसार कम है। ऐसे में ट्रंप के सामने सिर्फ ईरान की न्यूक्लियर साइट तबाह करने का विकल्प ही आखिरी हो सकता है। ईरान पर हमले के लिए इसराइल ने 5 टारगेट भी फिक्स कर लिए हैं, जिसमें पहला टारगेट है अराक एटमी सेंटर, जिसकी तेल अवीव से दूरी लगभग 1712 किलोमीटर की है, जबकि दूसरा टारगेट फोर्दो न्यूक्लियर प्लांट है, जिसे तबाह करने के लिए इसराइल 1842 किलोमीटर दूर से मिसाइल दागेगा। नतांज परमाणु लैब भी इसराइल हमला यहां पर कर सकता है, जो तेल अवीव से तकरीबन 2027 किलोमीटर दूर है। इसके अलावा इस्फहान परमाणु सेंटर, जो तेल अवीव से 1982 किलोमीटर दूर है, जहां इसराइल तबाही मचा सकता है। बुशेहर एटमी ठिकाने की दूरी तेल अवीव से 2072 किलोमीटर है, जिसे तबाह करने के लिए कभी भी मिसाइल स्ट्राइक की जा सकती है।
ईरान को भी इसका अंदेशा है कि कभी भी इसराइल हमला कर सकता है, इसलिए ईरान ने न्यूक्लियर साइट पर रूस से मंगाए S-400 डिफेंस सिस्टम लगा दिए हैं। इसके अलावा अपने फाइटर जेट वॉर रेडी कर दिए हैं, लेकिन इसराइल के लिए खतरा न्यूक्लियर हमले का है, क्योंकि परमाणु कार्यक्रम पर निगरानी रखने वाली यूएन एजेंसी IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने भी दावा किया है कि ईरान परमाणु हथियार बना चुका है या फिर बनाने के बेहद करीब है। ऐसे में ईरान को काबू कर पाना ट्रंप के लिए बड़ा चैलेंज होगा, इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ईरान में राजनीतिक अस्थिरता पैदा करके बड़ा खेल कर सकते हैं। इसके लिए खामनेई शासन का अंत करके पहलवी शासन को फिर से लाया जा सकता है। ट्रंप की जीत के बाद से ही निर्वाचित क्राउन प्रिंस रजा पहलवी को वापस ईरान लाने की हलचल तेज हो गई है। ट्रंप की जीत पर रजा पहलवी ने बधाई देकर खामनेई खेमे की धड़कनें बढ़ा दी। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, आपके पहले टर्म में आप मजबूती के साथ ईरान के लोगों के साथ थे जो इस्लामिक रिपब्लिक के खिलाफ लगातार आवाज उठा रहे थे, जिन्हें लगातार धमकियां मिल रही थी, लेकिन आपकी हिम्मत से वो अड़े रहे। अब आपके पास फिर से इतिहास बनाने का अवसर है ईरान के लोगों के साथ मिलकर शांति की स्थापना करने के लिए। कुछ वक्त पहले दिए एक इंटरव्यू में भी रजा पहलवी ने अपने इरादे जता दिए थे कि वो कैसे अमेरिका की मदद से दोबारा ईरान को 70 के दशक जैसा खुशहाल और खुली सोच वाला बनाना चाहते हैं। प्रिंस रजा पहलवी और उनके परिवार ने अमेरिका के वर्जीनिया में शरण ली हुई है, वहीं से वो ईरानी सत्ता में बदलाव का ख्वाब देख रहे हैं। अमेरिकी सत्ता में ट्रंप की वापसी से उन्हें उम्मीद जगी है कि खामनेई राज खत्म करके फिर से पहलवी शासन कायम किया जाए। अब ये ट्रंप के ऊपर है कि वो इसके लिए कौन सा विकल्प इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ट्रंप के लिए इस वक्त इजराइल की सुरक्षा सबसे बड़ा चैलेंज है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।